नमो वः। मित्रों, आज का प्रश्न है, रावण नाम का अर्थ बताएं, क्या यह रुद रोना धातु से है? तो आज की चर्चा इसी विषय पर। रावण शब्द जो है ये रु धातु से आया है, जिसका अर्थ है शब्द करना और जिसका अर्थ होता है चिल्लाना, रोना, चीत्कार करना, हाहाकार करना। तो इसी धातु से प्रेरणा के अर्थ में जो दूसरों को रुलाता है, चिल्लाता है, वह है रावण, यह अर्थ है। रावयति इति रावणः। और इस अर्थ की पुष्टि में रामायण में और महाभारत में दोनों में वचन मिलते हैं। तो रामायण में जैसा आप जानते हैं, रावण स्वयं कहता है भगवती सीता जी से, येन वित्रासिता लोका सदैवासुर पन्नगा अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः। जिसने सभी लोगों को डरा दिया है वो मैं रावण हूं, वो मेरा नाम रावण है। और इसी प्रकार रामायण में एक और वचन प्राप्त होता है, यस्मान लोक त्रयम चैतद द्रावितम भयमागतम तस्मात् त्वं रावणो नाम नामना वीर भविष्यसि। क्योंकि तुमने तीनों लोकों को डरा दिया है और रुला दिया है, इस कारण से तुम रावण इस नाम से जाने जाओगे। तो रावण के रावण का चरित्र बहुत दारुण था, अनेक अपहरण किए, दूसरों का धन लूटा, बलात्कार किए और अनेक लोगों को बंदी बनाया। तो तीनों लोगों को रुलाने के कारण और डराने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। और इसी प्रकार महाभारत में जो रामोपाख्यान है, जिसमें मार्कंडेय पांडवों को रामायण की कथा सुनाते हैं, उसमें भी वचन आता है, रावयामास लोकान यत् तस्माद् रावण उच्यते। क्योंकि इसने लोगों को अथवा तीनों लोकों को रुला दिया, इसलिए इसे रावण कहते हैं। तो यह है रावण नाम का अर्थ, जो दूसरों को रुलाता है, चिल्लाता है, वह है रावण। नमो वः।